कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्री ए के एंटनी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री गुलाम नबी आजाद जी, श्री पी सी चाको जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री अजय माखन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, किसानों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यहाँ नेता बैठे हैं, आपका भी नमस्कार। आज हिंदुस्तान में किसान और मजदूर घबराया हुआ है। घबराहट के दो कारण हैं। पहला कारण, किसान को लग रहा है, मजदूर को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसान को और मजदूर को भूल चुकी है। किसान को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की मजदूरों की सरकार नहीं है। और दूसरा कारण, जो बात हर किसान के दिल में है, जो हम बिल लाए थे 2013 में, जब हम बिल लाए थे, उस बिल को जो बीजेपी बदलना चाह रही है, उससे भी आपको डर लग रहा है। किसान हिंदुस्तान को शक्ति देता है। आईटी से पहले, उद्योगों से पहले किसान ने नींव रखी थी। हरी क्रांति की और हिंदुस्तान को भोजन दिया। जो भी यहां बना है, उस नींव के ऊपर बना है, किसान की मेहनत के, किसान के खून के ऊपर बना है। सच्चाई यह है, आज जब किसान सोता है, उसे यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। उसे अपनी जमीन के बारे में नहीं मालूम कब उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बनाने का डर होता है, डर से रहता है, पूरी जिंदगी डर से काटता है। विदर्भा में मैं गया, कुछ साल पहले सूखा पड़ा था और मैंने इंसेक्टिसाइड की बोतल देखी, जिसको पीकर किसान ने आत्महत्या की थी। उसके बच्चे वहां थे, उसकी बीवी वहां थी, उनका भविष्य नहीं था। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, वहां के किसानों के साथ जाके खड़ा हुआ, पलायन हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने पैकेज भेजा, विदर्भा में पैकेज भेजा। जब भी हम किसान की मदद कर सकते थे, हमने पूरे दिल से मदद की। गेहूं की एमएसपी हमने 540 रुपए से 1400 रुपए की, चावल 560 रुपए से 1310 रुपए तक, और गन्ना को हमने 220 रुपए तक आपको दिया। जब आपके ऊपर कर्जा था, आपके लोग हमारे पास आए, किसान आए, और आपने हमें कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, बड़े लोग आसानी से बैंक लोन ले लेते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। विपक्ष के लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कर्जा माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा, और हमने आपको दिखाया 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ करके आपको दिया। कम ब्याज पर अधिक कर्ज उपलब्ध करके आपको साहूकारों से हमने बचाया। मजदूरों के लिए हम मनरेगा लाए कि उनको भी लगे
कि वो इस देश की प्रगति में शामिल है, भोजन का अधिकार लाए। जो भी हमने किया कमजोर लोगों के लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया। नियामगिरी में आदिवासियों ने मुझे बुलाया और आदिवासियों ने मुझे कहा, नियामगिरी में 200-300 युवाओं से मैं बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी देखिए यह हमारी जमीन है, ये जो पहाड़ है ये हमारा भगवान है, इस जंगल से हम जीते हैं। अगर आपने ये जमीन ले ली, अगर आपने ये जमीन उद्योगपति को दे दी तो हमारा यहां कोई भविष्य नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा, देखिए आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा और वो लड़ाई लड़कर हम जीते। मगर जीतने से पहले वही लड़के मेरे पास फिर आए। पहली बार उन्होंने मुझे प्यार से बोला था, दूसरी बार वो गुस्से में थे और बंद कमरे में उन्होंने कहा, राहुल जी देखिए हम आपको सीधा बता देते हैं, अगर आपने ये जमीन वेदांता को दे दी तो वो 400 लड़के जिनसे आप मिले थे वो सब के सब नक्सलाइट बन के हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने खुला मुझे कहा कमरे में। सच्चाई ये है कि सरकार गरीबों के लिए चलनी चाहिए। किसान अपना खून पसीना देता है, किसान ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है और सरकार को किसान को नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, ये जो उन्होंने शब्द कहे हैं विदेश में हिंदुस्तान के बारे में, वो ना मोदी जी को शोभा देते हैं और ना प्रधानमंत्री के पद को। नियामगिरी के बाद भट्टा परसौल में गया और यहां भट्टा परसौल के किसान आए, आज उन्होंने सोनिया जी को शॉल दिया, प्रधानमंत्री जी को शॉल दिया। मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है, मगर जब मैं पहली बार उनसे मिला था उनपे ऊपर पुलिस का हमला चल रहा था, उनको डराया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था। क्यों काटा जा रहा था, क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। मायावती जी की सरकार थी, हजारों एकड़ किसान से छीनकर, मजदूर से छीनकर उद्योगपतियों को, बिल्डरों को दिए जा रहे थे। भट्टा परसौल में मैंने पदयात्रा की, एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा, राहुल जी मेरी जमीन ले ली, मुझे तो बताया भी नहीं। एक दिन मैं गई, सुबह उठी 4 बजे 5 बजे उठी और मेरे जमीन के चारों ओर रस्सी बंधी हुई थी। एक व्यक्ति वहां खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा, भैया ये आपकी जमीन नहीं है, ये तो अब हमारी जमीन है, अब आप यहां से जाइए। हम आपके हक के लिए लड़े थे। 2 साल लगे उस बिल को तैयार करने में और मुझे याद है जयराम रमेश जी से मैंने बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं सबसे पूछ कर ये काम कर रहा हूं। और जिस दिन वो बिल पास हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है बीजेपी के नेता
पार्लियामेंट के मेज पे ऐसे अपना हाथ थपा रहे थे। तो क्या बदल गया उस दिन से और आज में, क्या फर्क है? क्यों उनके नेताओं ने उस बिल को पास किया, ताली बजाई, समर्थन दिया और फिर आज ऑर्डिनेंस के माध्यम से पार्लियामेंट से नहीं, लोकसभा राज्यसभा से नहीं, ऑर्डिनेंस से उस बिल को बांधने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन की, मदद की, हम बिल लाए, एमएसपी बढ़ाई, बीजेपी एनडीए की सरकार किसान की बात क्यों नहीं सुन रही है? एमएसपी वहीं की वहीं पड़ी है, खाद सब्सिडी कम की, हरियाणा में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, सिंचाई का बजट कम किया, कृषि विकास योजना का बजट आधा कर दिया और किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। किसी दिन एक बहाना देते हैं, किसी दिन दूसरा बहाना देते हैं, मगर आपकी फसल नहीं खरीदते। ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ से किसान को कमजोर कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जमीन का जो हमने बिल पास किया उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों चीजों के पीछे सोच क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाता हूं। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मुझे वहां बुलाया और मैं ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे बड़े हीरो की माइन दिखाई। हजारों एकड़ बड़ी माइन थी, दुनिया के 25% हीरे उस माइन से निकलते हैं। माइन में मुझे ले गए, अंदर ले गए, आगे पीछे घुमाया, 2 दिन के लिए वहां मैं उनके साथ था। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने सोचा कि भाई इतनी ज्यादा जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, तो ये जमीन किसकी थी? वो लोग कहां हैं जिनकी ये जमीन थी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन बन गई है, 25% हीरे इस माइन से निकलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, ये जो जमीन थी ये किसकी थी? उन्होंने बताया कि राहुल जी, इस जमीन पे 300 परिवार रहते थे, हजारों एकड़ जमीन थी, 300 परिवार थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, डायमंड माइन बन गई, हीरे बन रहे हैं, निकल रहे हैं, आप इनको पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, वो जो 300 लोग थे, 300 परिवार थे, उनका क्या हुआ, वो कहां है? तो उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी हम आपको मिला देते हैं, कल हम आपको उनसे मिला देते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि भाई 300 परिवार हैं, सबसे बड़ी डायमंड माइन है, सूट पहन के आएंगे, बूट पहन के आएंगे, मर्सिडीज में आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में आएंगे। जब मैं वहां गया, मेरे सामने 5 मजदूरों को खड़ा कर दिया और मैंने उनसे पूछा, भैया ये कौन है? मुझे कहते हैं, भैया ये है वो लोग जिनकी ये जमीन थी, मगर ये क्या करते हैं? ये माइन में मजदूरी करते हैं, ये वेयरहाउस में काम करता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको हमने ट्रेनिंग दी और इनको हमने नौकरी दी। आपको एक बात समझनी है, ये जो आपकी जमीन है जिसपे आप खेती करते हैं, इसको आप मां मानते हो, मगर आज के हिंदुस्तान में ये जमीन सोना है, सोना, इसका दाम
आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सोने के दाम से ज्यादा होगा। सच्चाई ये है। और मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तेहार होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है। और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे, इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए, और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपतियों, अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। ये सोच है। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने दिखाया, उद्योगपतियों को दिखाया कि गुजरात के किसान से मैं आसानी से जमीन छीन सकता हूं। और उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो जो मैंने गुजरात में किया है वो मैं पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाऊंगा। और वो काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो नींव है उसको कमजोर करने जा रहे हैं। देखो, घर बनता है, ये इमारत बनी है, पूरी की पूरी नींव पे खड़ी होती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर फ्लोर बनता है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। ये इनका काम है और ये आपके साथ करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं और मजदूरों के साथ करना चाहते हैं। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, आपके माता पिता बीमार होंगे, उनका इलाज कराना होगा, आपके पास जमीन है, आने वाले समय में इससे आपको फायदा होगा, इसकी आपकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए। हमने कानून में 4-5 चीजें की थी। सबसे बड़ा काम था कि आपको हमने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिलवाया। पहले आपसे जमीन छीन ली जाती थी, आपको दाम नहीं दिया जाता था, हमने उस बात को बदला। मगर 4 और बहुत जरूरी चीज की थी। सबसे जरूरी चीज जिसको कंसेंट क्लॉज कहते हैं, हमने कहा कि अगर आपसे जमीन ली जाएगी तो आपसे पूछ कर ली जाएगी। जब तक 80% लोग हां नहीं कहेंगे तब तक जमीन आपसे नहीं ली जाएगी। उस क्लॉज को बीजेपी ने खत्म करा है। दूसरी बात, हमने कहा कि एक ऑडिट होगा, अगर किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो 6 महीने के अंदर ऑडिट होगा, पता लगाया जाएगा कि जमीन लेने का असर किसान पे, मजदूर पे क्या हुआ और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात, हमने कहा कि अगर कोई अफसर कानून को लागू नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को बीजेपी ने खत्म किया है। और आखिरी बात हमने कही थी, और शायद ये इनकी नियत दिखाती है, हमने कहा था देखो अगर 5 साल के अंदर जमीन लेने के बाद 5 साल के अंदर काम नहीं शुरू किया गया तो जमीन वापस किसान को दी जाएगी। इस चीज को भी बीजेपी ने बदला। इस चीज को बदलने की क्या जरूरत थी? अगर सचमुच में वो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, अगर सचमुच में वो कुछ बनाना चाहते हैं तो फिर ये 5 साल को बदलने की क्या जरूरत है? ये 5 साल को इसलिए बदला गया है
क्योंकि आपकी जमीन को लैंड बैंक बना के अमीर लोगों को देना चाहते हैं। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है, यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। इधर से आपकी जमीन छीन ली जाएगी और उधर आपको रोजगार नहीं मिलेगा और आप बीच में गिरोगे सीधे। हम आपके साथ खड़े हैं, भट्टा परसौल में लड़े, नियामगिरी में लड़े, और आप घबराओ मत, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी। और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे, मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। ये देश किसानों का, मजदूरों का देश है। जरूर प्रगति की जरूरत है, जरूर बिजनेस की जरूरत है, जरूर मेक इन इंडिया की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जरूरत है, मगर किसानों की भी जरूरत है, किसानों के बच्चों की पढ़ाई की भी जरूरत है, किसानों के भविष्य की भी जरूरत है। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां चुने हुए लोगों को सब कुछ मिल जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ ना मिले, वो मजदूर बने, वो नौकर बने, और बाकी लोग हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, शुरू हो गया, कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और जैसे हमने नियामगिरी में जीत हासिल की, जैसे हमने बिल पास करवाया था, वैसे ही हम एक बार फिर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।